नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। मार्क्सिस्ट फाउंडेशन देवी पाटन मंडल गोंडा की 16 जनवरी से चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन रहा। भूख हड़ताल पर बैठे हुए फार्मासिस्टों को समर्थन देने क्रम में आज बस्ती मंडल के अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला, बस्ती जिला अध्यक्ष, सिद्धार्थ नगर जिला अध्यक्ष, संत कबीर नगर जिला अध्यक्ष, बाराबंकी जिला अध्यक्ष, श्रावस्ती जिला अध्यक्ष, बलरामपुर और अयोध्या मंडल अध्यक्ष नवीन ने आंदोलन में अपनी भागीदारी देते हुए शासन प्रशासन को चेताया कि यदि भूख हड़ताल पर बैठे हुए फार्मासिस्टों की समस्त मांगों को मानते हुए उचित आदेश नहीं दिया गया तो अंजाम बहुत ही गंभीर होंगे। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के गोंडा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सालिकराम त्रिपाठी ने भूख हड़ताल पर बैठे हुए साथियों की सभी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की सभी मांगों को प्रशासन द्वारा तत्काल माना जाना चाहिए। आम जनमानस के सभी स्वास्थ्य के लिए अवैध मेडिकल पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। यदि दवाओं का भंडार क्रय विक्रय अप्रशिक्षित लोगों के हाथों में होगा तो इसका दुष्परिणाम बहुत ही गंभीर और जानलेवा होगा। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन हमेशा आम जनमानस के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करती रही है। यदि भूख हड़ताल करने वालों की मांगों को जल्द से जल्द मानते हुए उचित आदेश देते हुए कार्रवाई नहीं की जाती तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन भी इनके समर्थन में आंदोलन के लिए रणनीति बनाएगी और कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन का हिस्सा भी बनेगी। तीन दिन से भूख हड़ताल पर बैठे मंडल अध्यक्ष कुलदीप मणि त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर पांडे, जिला अध्यक्ष नौशाद खान, जिला उपाध्यक्ष शाहजाद अली और वैभव श्रीवास्तव ने फिर दोहराया कि जब तक हमारी मांगों को मानते हुए शासन प्रशासन उचित कार्रवाई किए जाने हेतु लिखित आदेश जारी नहीं करता है तब तक हमारी भूख हड़ताल अनवरत चलती रहेगी। यदि आम जनमानस के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम लोगों को जान की आहुति भी देनी पड़ी तो ये हमारा सौभाग्य होगा, लेकिन बिना भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करने वाले औषधि निरीक्षक मनुशंकर और औषधि अनुज्ञापन अधिकारी के विलंबित हुए और उनके ऊपर आय से अधिक जांच की संस्तुति के वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पूर्ण अनुपालन कराए बिना भूख हड़ताल समाप्त नहीं होने देंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मंडल ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। जिलाधिकारी फार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश से का समस्या है। हमारी समस्याएं ये हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लेके जो भी गोंडा जिले में टीआई हैं वो इतना भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं कि कहीं भी टीन के नीचे, कहीं भी कच्ची दुकान में, कम दुकान में, गुमटी में अवैध मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे हैं। जिनसे वो आपने कहीं किया, इनकी शिकायत हमने कई बार डीएम से भी किया है, मंडलों से भी किया गया है और डीआई साहब को भी इस चीजों से अवगत कराया गया है। इन चीजों पे कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है या इस पे हमने कई सारी आईजीआरएस भी, लेकिन उनका फर्जी तरीके से निस्तारण किया गया है जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि डीआई अपने भ्रष्टाचार से जो आचरण, भ्रष्टाचार युक्त आचरण है उसी पे जा रहे हैं और मेडिकल वालों से पैसे लेके अवैध रूप से उनको समस्याओं को लेकर कब जाकर प्रश्न बैठे हैं आप? आज हमारा तीसरा दिन है भूख हड़ताल पे, लेकिन हमारी समस्याएं सुनने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। ये जब तक हमारी मांगों को पूरी तरह से माना नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पे अनवरत ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। जैसा कि आपको अवगत करा दिया गया है, जिला अधिकारी को और पूरे प्रशासन को ये बता दिया गया कि हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, फिर भी हमारी कोई सुध लेने के लिए अभी तक यहाँ नहीं आया है और ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी एक एक मांगों पर लिखित रूप से कार्रवाई नहीं हो जाती।